बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल व करम रहम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। निविदा ब्लॉग के साथ में आई हूँ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये एलोवेरा का पौधा मेरे बेटे ने जो लगाया था, ये देखें, इसको आज ना मैं गोड्डी करना शुरू हुई थी। पहले मैंने कहा नई वीडियो बनाई, फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी मैंने कर ली है, और अब जो मैं इसकी गोड्डी कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसकी जितनी पौधों की गोड्डी करें ना उतना ही सही होता है। और ये देखें पीछे से चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है ना। और ये देखें हमारी मुर्गी भी आई है अंडा देने के लिए। ये देखें ये अब अपने घर ढूँढेगी और जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैं ना पौधों को गोड्डी कर रही हूँ। ये जो एलोवेरा का प्लांट है ना इसको गोड्डी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे इसमें और भी प्लांट थे वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि नहीं मुझे चाहिए, मैं इसकी ना गोड्डी कर लूँ। तो आपको पता है गोड्डी करने से क्या होता है, कोई भी प्लांट हो उसकी गोड्डी करें उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। जैसे बच्चों को हम तरह तरह के न्यूट्रिशंस खाने पीने की चीज़ें देते हैं, वो देंगे तो फिर बच्चे बड़े हेल्दी हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इस तरह पौधे भी हमारे बच्चों की तरह होते हैं, इनका जितना ख्याल रखेंगे ये उतने अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे और अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है ना। इनको भी तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं पौधे लगा दिए तो चलो जी अल्लाह के सपोर्ट, फिर देखना है नहीं पानी दिया ना दिया, दे दिया फिर भी ठीक है, नहीं दिया तो फिर भी ठीक, पर नहीं ना इनको तो पानी तो देना पड़ता है ना। पानी के बगैर तो इंसान भी नहीं ज़िंदा रह सकते। और पौधे तो फिर आपको पता है इनका कोई ख्याल करने वाला होगा तो फिर ही कोई बात होगी ना। ये देखिए इसकी ना मिट्टी बड़ी जल्दी सख्त हो जाती है, पता नहीं क्यों। इसको मैं फिर जब देखती हूँ ग्रीन ग्रीन मॉस नज़र आ रही ना आपको, ये हल्की हल्की से, ये देखें ये वाली, तो फिर मैं ना इसको गोड्डी कर देती हूँ और माशाल्लाह फिर ये सही हो जाती है। और ये जो जो मैंने ना मॉस रोज के लगाए थे ना, ये जब 9-10 के दरमियान खिलते हैं और बाद में बंद हो जाते हैं। और हमारी मुर्गियाँ ने माशाल्लाह ना 6 मुर्गियाँ हमारी, मैंने आपको पता शॉर्ट में वीडियो बताई हुई है, तो उसने ना 5 तकरीबन हमारी माशाल्लाह अंडे देने लग पड़ी हैं, और जो दूसरे हैं वो भी माशाल्लाह देने लग पड़ेंगे जी। वो मेरी ना बेटी आवाज़ दे रही थी, कह रही थी मामा जो बुखार चढ़ा तो बाबा से कहें मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए। पता आपको पता बच्चों को जब बुखार चढ़ा तो मेरी जी है सारे बच्चे बीमार थे, और मैं कल उसकी मेडिसिन भी लेने गई हुई थी। हाँ जी, ये देखे ये छोटी मॉस रोज है, ये देखे बिल्कुल इसके छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। एक तो ये है ना बड़े वाले, ये देखें, ये देखें, और जो बिल्कुल छोटी है ये देखें ना। और ये देखें जी सब्ज़ी वाले की आवाज़ आपको आ रही होगी, अब मैं थोड़ी सी वीडियो पर रोक के फिर आपसे बात करती हूँ, इसकी आवाज़ बड़ी आएगी। चलें जी, ये देखें मैंने गोड्डी इसको थोड़ी थोड़ी करके पूरी कर ली है। ये देखें जी मैं गोड्डी कर रही हूँ इनको, ये ग्रीन ग्रीन मॉस है ना, ये फिर कम हो जाएगी। ये देखें मैंने सारी गोड्डी ये देखे कर लिया। अब इसको पानी नहीं देना गोड्डी करने के बाद ना, एक दिन पानी नहीं देना तब तक, क्यों अगर हम गोड्डी करने के बाद फ़ौरन पानी दे देंगे जो हमने इनकी गोड्डी की है, फिर वो पानी नीचे जाके इसकी मिट्टी को मजबूत कर देगा तो फिर ये इसकी ग्रोथ नहीं। और ये देखें जी मैं आपको दिखाती हूँ मॉस रोज के नहीं है, ये विंका के बीज पक गए हैं। और ये मैं ऐसे ही ये देखें ऐसे करूँगी ना, आज की धूप लगेगी ना जो खुद ही खिल जाएंगे, इसमें खिल के खुल जाएगा ना, ये जिसमें कि खुल जाएगा पौधा जो इसमें बीच में मिक्स हो जाएगा, जो फिर छोटे छोटे प्लांट, ये देखो इसका बेबी प्लांट भी उग रहा है। मैंने एक दफ़ा अपने घर में लाई हूँ, उसके बाद मैंने कभी भी विंका के बीज नहीं कहीं से लिए, क्योंकि माशाल्लाह इसके इतने ज़्यादा होते हैं, ये इसके खुद ही ग्रोथ हो जाती है, नीचे गिर जाते हैं और ख़ुद ही इसकी ग्रोथ हो। ये देखो आपको ये देखें ये बीज है ऐसे मैं गिरा दूँगी और ये माशाल्लाह खुद ही इसमें ग्रो हो जाएंगे। इनकी तो मैंने कभी कोई चीज़ लगाई नहीं है, बस एक दफ़ा लाई थी अपनी अम्मी के घर से ही लाहौर में ना, जब कभी लाहौर चक्कर लगेगा ना मेरा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी अम्मी का घर है, हम कहाँ रहते हैं क्या, ठीक है ना। और मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी करें, और आप मोटिवेट हों, आप भी अपने घर में ना चीज़ें लगाएं, गोड्डी करें पौधों को, फिर उनके सबका दिल लगेगा। किसी की इधर उधर की बातें करने से बेहतर है ना बंदा अपने घर में छोटा सा बना ले किचन गार्डन, और चुप जी सब्ज़ी वाला चला गया। और अब ये जी मेरी बेटी भी छोटी सी, ये देखें इसके आपके हाथ में तरह के इसको ना बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है, और बेचारी कह रही मामा मैंने भी वीडियो बनानी है। मैंने कहा नहीं आपने नहीं बनानी, मैं बना रही हूँ ना, आप जब सही होगी फिर आप भी बनाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि ये गोड्डी वगैरह करने से इनका ना बड़ा अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और
अगर आप गोडी नहीं करेंगे तो फिर कैसे जो बड़े होंगे, ठीक है ना, है ना आपको पता इस बात का तो जी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें आपने गोडी कर दिया और अल्लाह के फजल करम साहब जिसकी ग्रोथ देखिएगा। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, हाँ जी ये देखिए जी मेरा दूसरा प्लांट है और ये देखें जी इसमें बेबी प्लांट कितने ज़्यादा हो गए हैं। एक ये देखें बेबी प्लांट है, एक ये बेबी प्लांट है, ठीक है, एक ये देखें बेबी प्लांट और एक ये बेबी प्लांट, ये एलोवेरा के बेबी प्लांट और ये देखें इसमें विंका के फलियां ना जो मैंने फेंकी हुई हैं, ये देखें नज़र आ रही हैं आपको बेटे एक मिनट चुप करें, ये देखें और ये नज़र आ रही है ना आपको। अब आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें जी ये होते हैं इसके फ्लावर, रुक जा भाई हिलने शुरू हो गया, ये देखें इसके फ्लावर, इसके ऊपर बीज लगते हैं, ये देखें हर पौधे का कोई ना कोई बीज होता है ना, उस पर फ्लावर भी उगते हैं। और ये देखें एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर पड़ रहा है, इसमें सीड बनेंगे, पहले इसके फूल बनेंगे बाद में इसमें सीड निकलेंगे और यही सीड हम ग्रो करेंगे ना तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये एलोवेरा का पौधा निकला, जैसे हर पौधे के बीज होते हैं ना इस तरह इसके भी बीज होते हैं, ठीक है ना। और ये देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चेक करें, ये देखें मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, ओके अल्लाह हाफिज़।